प्रेज द लॉर्ड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब सीरीज बिब्लिकल ट्रेजर के तीसरे एपिसोड में। जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये पांच एपिसोड, पहले पांच एपिसोड सेवकों के लिए, पास्टर्स के लिए, प्रचारकों के लिए है। तो आज के दिन फिर से एक खास बात, एक सेवक के जीवन से जो मैंने सीखी वो आपके साथ शेयर करना मांगता हूं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, नबाल और अबिगेल की। जी हाँ, सैमुअल की किताब में अगर आप मेरे साथ निकालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पहला सैमुअल उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं से 17वीं आयत तक मैं आपके बीच में जल्दी से पढ़ूंगा, फिर खास बातें मैं आपके मध्य में रखूंगा इस कहानी से जो मैंने सीखा, खास तौर से नबाल के सेवक के जीवन से जो मैंने सीखा। मेरे आज शिक्षा या मेरा जो ख्याल है उसका जो शीर्षक है वो है नबाल का सेवक। मैं आपके मध्य में बाइबल से पढ़ूंगा, पहला सैमुअल उसका 25 बाब और उसकी 14वीं आयत। परंतु एक सेवक ने नबाल की पत्नी अबिगेल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूध भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वो मनुष्य हमसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। 16वीं आयत, जब तक हम उसके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वो दिन रात हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की ओर उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। इससे पहले अपने पॉइंट्स में मैं आगे चलूं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको बताना मांगता हूं। दूसरा सैम्बल 25 बाब की जब शुरुआत से आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच एक व्यक्ति है जिसका नाम नबाल और उसकी पत्नी का नाम अबिगेल है। पत्नी के विषय में तो बहुत अच्छी बात लिखी है कि वो रूपवती थी, बहुत खूबसूरत थी और बुद्धिमान स्त्री थी, परंतु नबाल कठोर व्यक्ति था। हालांकि बहुत अमीर था, हजारों में इसके पास भेड़े और बकरियां थी, लेकिन दुष्ट काम किया करता था। और दाऊद उसी जगह पे रहा करता था और हमेशा अपना सहयोग नबाल और नबाल के सेवकों को दिया करता था। जब नबाल के सेवक अपनी भेड़ बकरियां लेके उसके क्षेत्र में चराने जाते थे, इसने हमेशा सहायता की। दाऊद को पता चला नबाल अपनी भेड़ के ऊन कतर रहा था, तो उसने कहा चलो मैं अपने सेवकों को नबाल के पास भेजूं कि वो भी जो ऊन कतर रहा है उनमें से कुछ हमको दे दे। जब इसके सेवक वहां पहुंचे, नबाल ने बड़ी दुष्टता दिखाई, बड़ी कठोरता दिखाई और दाऊद के सेवकों को वहां से भगा दिया, बेइज्जत कर दिया। इस बात से दाऊद काफी क्रोधित हुआ, उसने ठान लिया कि मैं नबाल और उसके घराने का नाश कर दूंगा। तो इस कहानी से, खास तौर से नबाल के इस सेवक से जिसके विषय में मैंने अभी पवित्र वचन से पढ़ा, मैं सात इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में रखना मांगूंगा। और ये सात आर हैं, देयर आर 7 आर विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। और मुझे बताने दीजिए, हर एक सेवक जब इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को अपने जीवन में लागू करेगा तो यकीनन तौर पे अपनी सेवकाई में उन्नति देखने पाएगा। पहला आर, रिकग्नाइज द डेंजर। अगर आप 14वीं आयत में देखेंगे, 14वीं आयत में पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है सेवक भाग के, खतरे को भाग के उसकी पत्नी से सब बयान किया। एक सेवक के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि उसको खतरा भाप लेना चाहिए। कई बार हम सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको इल्म ही नहीं होता कि कितना खतरा है। हर एक खतरे को जब हम भापेंगे तो हम तैयार रहेंगे। आपको मालूम है वचन बताता है
पहला पत्रस उसके 5 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, वो गरजने वाले सींग की नाई तैयार बैठा हुआ है। शैतान के विषय में बात है कि कब मौका मिले और फाड़ खाए। जी हाँ, सुलेमान अच्छी बात कहने लगा। सुलेमान ने कहा है नीति वचन उसके 27 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को देख के छिप जाता है। ये सेवक के अंदर एक खूबी थी कि ये भाग गया था खतरा है, और खतरे में बैठा ही नहीं रहा बल्कि इसने भाग के एक काम किया। पहला पॉइंट, रिकग्नाइज द डेंजर। दूसरा पॉइंट, रिडीम द डेप। इसको मालूम था कि वो लोग दाऊद एक अच्छे लोग हैं, उनके लोग अच्छे लोग हैं। रिडीम द डेप, इसने एक काम किया, भलाई को स्मरण किया। सेवक भाग के अपनी मालकिन के पास गया। अबिगेल से कहता है कि हमारा स्वामी तो हमारी नहीं सुनेगा, लेकिन हम आपको बताना मांगते हैं, वो लोग जो आज आपके परिवार को विनाश करने आ रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, उनकी भलाई हमेशा हमारे साथ बनी रही। जब हम रात दिन उनकी बाउंड्री में जाके चराते थे अपने भेड़ बकरियों को, उनकी सहायता हमारे साथ बनी रहती थी। कभी भी उन्होंने संकोच नहीं किया, कभी भी विरोध नहीं किया। हमें भलाई को स्मरण करना है। मुझे याद आ रहा है दाऊद की कहानी, जिसके विषय में मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 2 सैमुएल उसका 7 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, दाऊद अब राजा बन चुका है और उसको स्मरण आया कि उसका मित्र, परम मित्र योनातन ने कितना प्रेम उसके साथ किया था। उसने कहा, मुझे भी योनातन के परिवार में अपनी भलाई को दिखाना है। और उसने एक सेवक को बुला के बोला कि क्या योनातन यानी कि शाऊल के घराने का क्या अभी भी कोई जीवित है जिसके प्रति मैं परमेश्वर यहोवा की भलाई दिखाने पाऊं। तो उसको बताया गया है, योनातन का एक अपाहिज लड़का जिसका नाम मिपीबोशेत है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी परिस्थिति बहुत खराब है, लंगड़ा है, वो जीवन बस जी रहा है। दाऊद ने कहा, आज ही उसको बुला के लाओ, वो मेरे राजमहल में रहेगा, मेरे साथ मेरी मेज में बैठ के भोजन किया करेगा, जो मैं खाता पीता हूँ पहनता हूँ वही व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। जी हाँ, मुझे और आपको एक सेवक होने के नाते मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा हमें उस व्यवहार को स्मरण करना है जो लोगों ने हमारे साथ भलाई की है। कई बार हम सेवा में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमको याद ही नहीं रहता। तीसरी प्रमुख बात, रिडीम द डे। जी हाँ, समय को बहुमूल जाना। ये सेवक बैठ के सोच नहीं रहा था, ये सेवक समय को बर्बाद नहीं कर रहा था, उसको मालूम था समय कम है। और इफिसियों की किताब उसका 5 बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत में साफ साफ लिखा है, अवसर को बहुमूल जानो। एक प्रभु के दास के लिए बहुत अति आवश्यक है कि वो अवसर को बहुमूल जाने, समय असमय तैयार रहे। आपको मालूम, जब हम समय असमय तैयार रहेंगे तो हमारा प्रयास फलवंत होएगा, हम आत्माओं को बचाने पाएंगे, हम प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाने पाएंगे। समय असमय तैयार रहना है। इस सेवक ने, ये जो नबाल का सेवक था, इसने समय नष्ट नहीं किया, इसने तुरंत जाके भाग के प्रभु की दासी को सब चीज बयान किया। रिडीम द डे। अगला पॉइंट जो मेरा है, रिपोर्टेड द डीलिंग, यानी व्यवहार की सूचना दी। ये भाग के गया, अबिगेल को कहा, किसी ने ठाना है कि नबाल के परिवार को नष्ट कर दे, लेकिन ये नबाल की गलती की वजह से है, वो दुष्ट नहीं है, यानी कि दाऊद दुष्ट नहीं है, दाऊद खराब नहीं है, लेकिन नबाल की दुष्टता से। दाऊद ने तो अपने सेवकों को भेजा था जाके नबाल से कहे, कुछ अपने भेड़ बकरियों के ऊन में से हमको भी दे दो, क्योंकि हमने हमेशा तुम्हारी सुरक्षा की है, हमने हमेशा तुम्हारे साथ सहयोग किया है। तो उसने क्या कहा, यीशु कौन है, यीशु का पुत्र कौन है, मैं किसी दाऊद को नहीं जानता। और दाऊद के सेवकों को लथाड़ के भगा दिया वहां से, कहा मैं कुछ भी नहीं दूंगा। इस बात से दाऊद नाराज हुआ, लेकिन दाऊद का व्यवहार तो बहुत अच्छा रहा है, उनके सेवकों का व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, वो अच्छे लोग है। आपको बताना मांगता हूं, मुझे और आपको स्मरण करना है लोगों का व्यवहार हमारे प्रति क्या है, तभी हम उनको और अच्छी तरीके से आशीष दे सकते हैं।
मेरा अगला पॉइंट है, यानी कि पांचवा पॉइंट है, रिकमेंडेड द डिसीजन। जी हाँ, निर्णय लेने का आग्रह किया। ये सेवक एक समझदार सेवक था और मुझे लगता है हम सभी सेवकों को इस सेवक की इस खूबी को अपने जीवन में लागू करना है कि ये इसने इस तरीके से अपनी बात को रखा कि अभिगेल ने तुरंत एक निर्णय लिया। अगर शायद ये अभिगेल को सही तरीके से जाके सूचित ना किया होता, आग्रह ना किया होता, तो अभिगेल भी इतनी फूर्ति के साथ एक निर्णय ना ले पाती। मुझे याद आ रहा है सन 2000 में जब प्रेसिडेंट बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। जब उनकी पहली प्रेसिडेंट पीच थी तो उन्होंने कहा कि वी विल रिस्टोर द ऑनर एंड क्रिश्चियन मोरालिटी, और उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे अपने सभी ऑफिसेज में, अपने सभी इंस्टीट्यूशंस में, सारे होटल्स एंड मोटल्स में, हर जगह हम बाइबल को रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया जिसकी वजह से उनके राष्ट्र में आशीष आने पाई। आपको बताना मांगता हूं, मुझे और आपको इसी तरीके से सही निर्णय लेना है, इसी तरीके से दूसरों को प्रोत्साहित करना है कि वो सही निर्णय ले कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ सौंपे और अनंत जीवन में शामिल होने वाले हो सके। हमें और आपको एनकरेज करना है कि लोग सही निर्णय ले। मेरा छठा पॉइंट है, रेस्क्यू द डिजास्टर। जी हाँ, विनाश से बचाव किया। इस सेवक की समझदारी की वजह से, इस सेवक की फूर्ति की वजह से, इस सेवक के भाग के एक बड़ा जो विनाश आ रहा था, एक विपत्ति आ रही थी, उससे इसने परिवार को बचाया है। मैं और आप इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम लोगों को विनाश से बचाए। हम प्रभु के सेवक इसीलिए है कि जो नाश हो रहे हैं, जो उस मार्ग में जा रहे हैं जहां तबाही है, विनाश है, मृत्यु है, वहां से लोगों को बचा ले। यही हमारा काम है, यही हमको करना है। लेकिन उसके लिए जब हम नबाल के सेवक के जीवन से ये पॉइंट सीखेंगे और लागू करेंगे तो सचमुच हमारी सेवकाई फलवंत होगी। मेरा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजॉइस इन द डिलीवरेंस। आनंद में सहभागी हुआ ये सेवक अपनी समझदारी के कारण, ये सेवक अपनी अकलमंदी के कारण, ये सेवक अपनी फूर्ती के कारण नबाल के परिवार को बचाने वाला हो पाया और आनंद में सहभागी हुआ। मेरे और आपके पास भी एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बचाए, हम आत्माओं को बचाए, हम बहुत से लोगों को प्रभु की हुजूरी में लेके आए। समझिए, जब एक आत्मा बचती है तो कितना बड़ा आनंद स्वर्ग में होता है और मैं और आप उस आनंद के सहभागी होंगे। जरूर से इन 7 मुख्य बिंदुओं को जब हम अमल करेंगे तो हमारी सेवकाई में आशीष होगी, उन्नति होगी। प्रभु आपको आशीष दे।